हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मैंने वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने शामी फ़ोन में जो मोबाइल डाटा प्रॉब्लम आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मोबाइल डाटा प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाएं। शुरू कर देते हैं। तो बस देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हम शामी फ़ोन की मोबाइल सेटिंग्स है, उस सेटिंग्स को हमें ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली हम सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। गाइस, सेटिंग्स को ओपन करने का तो आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखा देते होंगे। तो आपको करना है, यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली शो होता है ऑप्शन नेट कनेक्शन एंड शेयरिंग ऑप्शन। तो सिंपली हम कनेक्शन एंड शेयरिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस हमको फिर से नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देता होगा, रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। तो सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के रीसेट सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है। रीसेट सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, ओके ऑप्शन शो होता है, सिंपली ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो ओके ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कैसे होगा, जो आपकी मोबाइल डाटा प्रॉब्लम है इसी सॉल्व हो जाएगी। मोबाइल डाटा प्रॉब्लम सॉल्व करना ईजी है गाइस। सिंपली जो आपकी जो प्रॉब्लम होती है, जैसे डाटा नहीं चलना गाइस, आपके डाटा में स्पीड ना आना, बस यह जो प्रॉब्लम है आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ईजीली। तो गाइस इस तरीके से अपनी मोबाइल डाटा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने शामी फ़ोन में। और अगर चलो आपको एलर्जी मोड को एनेबल या डिसेबल करना है, तो यहाँ से आप एलर्जी मोड को एनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। जैसे एक वीडियो समाप्त होती है, अगर चलो आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू गाइस।